पिछले दिनों उत्तराखंड में आई आपदा से प्रदेश को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस आपदा में करीब 76 लोगों की मौत हो गई तो वहीं एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने वाली सड़कें भी तबाह हो गईं, जिससे वहां रह रहे लोगों का बाकी की जगहों से नाता टूट गया है और साथ ही राहत सामग्री भी पहुँचा पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब इससे राहत पाने के लिए बारिश के रुकने के बाद से ही सरकारी मशीनरी की तेजी और मॉनिटरिंग के साथ पहाड़ी रास्ते खोले जा रहे हैं। इसके चलते जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने अब तक बंद पड़े एक और रूट की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 19 अक्टूबर से बंद पड़े कैंची भवाली खैरना सड़क मार्ग को छोटी गाड़ियों के लिए शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा जिले के कुछ दूसरे रास्तों को भी खोलने का इंतजाम तेजी से किया जा रहा है।